हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम आज आपके लिए लाए हैं कट ऑफ 2019 की सीयूसेट की। तो अपने सब्जेक्ट और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, बल्कि अपनी कैटेगरी भी उसमें शामिल करते हुए आप देख सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ये यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन है, आप जनरल हैं, आप SC ST या कोई और कैटेगरी में, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है, यहाँ पे आपके कोर्सेस के नेम दिए हुए हैं, क्लियर। दो तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हो गए। तीसरा ये हुआ कि आपकी कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती, तो ये मान के चलना कि जो कट ऑफ इसमें दी हुई है लगभग वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक अंदाजा लगाने का ढंग होता है। हालांकि कट ऑफ जो डिपेंड करती है मेनली तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1 ये नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे कितनी है, और दूसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स तो हमारी फिक्स हैं लगभग लगभग, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज अक्सर आता नहीं है, बहुत कम देखने में आता कि कोई बड़ा चेंज हो जाए। लेकिन नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करें, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें जितने अपेयर हुए हैं, तो वो उसमें चेंज कई बार आ जाता है, जैसे इस बार आ गया। हालांकि वैसे तो लगातार इसमें बढ़ने की टेंडेंसी देखी गई है ओवर द ईयर्स, बट इस बार COVID-19 के चलते ये एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पर 20,000 बच्चे बैठने थे, वहाँ हो सकता है 17-18,000 बच्चे बैठे हों या इवन उससे भी कम बैठे हों, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी को लेकर के सभी बच्चे कंसर्न थे। और नीट वगैरह में तो बहुत ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर आपके फेवर में जाता है, जिससे कट ऑफ करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है तीसरा फैक्टर। तीसरा ये फैक्टर क्या है जी, एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। तो एग्जामिनेशन का लेवल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स आप ही जानते हैं, हम नहीं अंदाजा लगा सकते एग्जामिनेशन का लेवल, पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, कितने मार्क्स आपके आने की उम्मीद है, ईमानदारी से बताना। और साथ ही साथ आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था। ये तीन चार फैक्ट्स अगर आप ईमानदारी के साथ बताएंगे, तभी हम आगे जाकर भी कुछ अंदाज़ा दे पाएंगे कि इस बार कट ऑफ में क्या चेंज आने वाला है। वैसे मोटा अंदाजा ये है कि इस बार कट ऑफ पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहने की चांसेस हैं हर एक कोर्स में लगभग, ठीक है। अब आप 1 बाय 1 हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप जो है सारे पेजेस को देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल सके, क्योंकि बच्चे बड़ी क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं और लगातार कमेंट हर जगह पे कर रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपको व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, एवरीवेयर। तो आप प्लीज़ पहले इस लिस्ट को देख करके सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा हमें नहीं पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। ये कोई और भी टीचर होगा तो उसको भी अंदाज़ा नहीं होगा ऐसे, ठीक है। जहाँ रिक्वायरमेंट लगे आप से फिर अपील कर रहे हैं कि आप उसको पॉज करें वीडियो को, और वहाँ पे अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ का नज़ारा देखें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है आपका थर्ड पेज, और अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपका फोर्थ एंड लास्ट पेज। फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, कहीं भी आप ये ना मान के चलें कि कट ऑफ फिक्स है। कट ऑफ सिर्फ एक आपको अंदाज़ा देती है, लेकिन बाकी तीन फैक्टर डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए हैं, और पेपर का लेवल कैसा था। यही तीन फैक्टर डिसाइड करेंगे कि इस बार 2020 में या आने वाले टाइम में कभी भी कोई और एग्ज़ाम आप दोगे, तो इन्हीं तीन फैक्टर्स के सहारे कट ऑफ आगे पीछे हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।